हेलो मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम टू मॉम्स किड्स केयर। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, अनजाने में जो कांच का मार्बल्स होता है, छोटा छोटा बैटरी होता है और जो कॉइन्स, पर्ल्स, मोती, ये सब क्या करते हैं, निगल लेते हैं। भगवान ना करे ऐसा सिचुएशन किसी के साथ भी हो। अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो उस टाइम पेरेंट्स को वो सिचुएशन का कैसे हैंडल करना है, तो चलते हैं बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। सब्सक्राइब करें मॉम्स किड्स केयर यूट्यूब चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है, और हमारा लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाइए। बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे ज़्यादातर खेलते खेलते जो छोटा छोटा मोती होता है या जो बोतल का छोटा छोटा कैप्स होता है उसको निगल लेते हैं, छोटे छोटे सामान उसको नाक में घुसा लेते हैं। तो उस टाइम क्या करें, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे साथ ये हो चुका है। 4-5 महीने पहले रूहानी खेल रही थी, और जो क्ले और मोल्ड्स का जो गेम आता है उसको ऐसे खेल रही थी, चुंगन टाइप का होता है, खेलते खेलते उसके नाक में घुस गया। मैंने देखा नाक में अटका हुआ है, बहुत ट्राई किया निकालने के लिए, उसका नाक ये इतना छोटा है कैसे निकालूं। तो मैंने क्या किया, ट्राई किया उसको जैसे छींक आए, तो कॉटन का कपड़ा लिया, उसको ट्राई किया ऐसे ऐसे करके, छींक जैसे उसको आने लगे, छींक आ ही नहीं रही थी। तो मैंने क्या किया, एक जो साबुत लाल मिर्च होता है उसको गैस में जाके गैस ऑन किया, उसको जलाया, तो उसका जो धुआं है उसके धुएं से रूहानी को जोर जोर से छींकें आने लगी। तो छींक से वो जो अंदर घुसा था, वो जो क्ले, वो उसके खांसी से निकला। उस टाइम हमको समझ में नहीं आ रहा था, भगवान क्या करें, डॉक्टर के पास लेके जाएं, इतना रात को कहाँ लेके जाएं। डॉक्टर के पास लेके जाते जाते तो वो बहुत ज़्यादा अंदर घुस गया होगा, तो लकीली वो निकल आया। तो आप क्या करें, अगर ऐसा आपके साथ भी हो, भगवान ना करें ऐसा कभी भी हो आपके साथ, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो आप क्या करें, पहले बच्चों को ट्राई करें जैसे छींके आए, कॉटन का कपड़ा लेके नाक में ऐसे घुसाएं, अगर नहीं आ रहा है छींक तो कुछ भी, अगर ऐसा धुआं टाइप का करें जैसे उसको जोर जोर से छींके आए, ये तो गया अगर नाक में घुस गया है तो। अगर छोटा जो पर्ल्स है या मोती है या जो मार्बल्स रहता है, कॉइन्स रहता है, छोटा 54 का सिक्का या 58 का सिक्का, वो अगर घुस जाए तो क्या करें, तो आप, मैं आपको एक डेमो बताऊंगी। ये अभी मैं रूहानी को तो पकड़ के ये बता नहीं सकती, क्योंकि उसको ऐसे पकड़ के बैठूंगी तो वो दौड़ के भाग जाएगी। तो मैं आपको बता रही हूँ आपको क्या करना चाहिए। पहले आप थोड़ा शांत रहें, ऑब्वियस सी बात है उस टाइम बहुत पैनिक फील होता है, ऑब्वियस सी बात है शांत तो उस टाइम रहने नहीं होगा, पेशेंस रखें। अगर आप शांत नहीं रहेंगे तो आपको देख के बच्चे और भी ज़्यादा वो उछलने लगेंगे, और जो निगले हुए हैं वो और ज़्यादा घुस जाएगा अंदर, तो इसलिए आप थोड़ा शांत रहें। बच्चे को ऐसे मुंह से ऐसे पकड़ना है, पकड़ने के बाद उसको ऐसे थोड़ा नीचे की तरफ झुकाना है, अच्छे से पकड़े रहिए वरना बेबी गिर जाएगा। ऐसे नीचे की तरफ झुकाएं, नीचे की तरफ ऐसे झुकाने के बाद उसके पीठ में ऐसे 5 बार थपकी करें, 1, 2, 3, 4, 5। फिर ऐसे ध्यान से ऐसे बच्चे को आगे की तरफ ऐसे झुकाएं, ऐसे आगे की तरफ झुका के चेस्ट में बेबी का उंगली से ऐसे करके दबाना है, 1, 2, 3, 4, 5। फिर ऐसे करके, फिर 1, 2, 3, 4, 5, फिर आगे की तरफ से 1, 2, 3, 4, 5। ये प्रोसेस को 5 बार रिपीट करना है, उससे बच्चे का खांसी स्टार्ट होगा, और खांसी से जो सामान गले में फंसा हुआ है वो इजीली बाहर निकल आएगा। अगर फिर भी वो गले में अटका हुआ है, सामान नहीं निकल रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को जाके दिखाएं। और कुछ बात जो पेरेंट्स को ध्यान रखना जरूरी है, जैसे ये सब जो मुंह में लेने वाला सामान हुआ, छोटा छोटा मोती, कांच का मार्बल्स, बोतल का छोटा छोटा जो कैप हुआ, वो सब सामान आप बच्चों के पहुँच से दूर रखें। काफ़ी पेरेंट्स छोटे बेबी को क्या करते हैं, हाथ में जो मोती वाला ब्लैक कलर का, गोल्डन कलर का मोती वाला ब्रेसलेट पहनाते हैं, अच्छा है वो, बच्चे को अच्छा दिखता है, कोई को बोलते हैं नज़र से बचाता है। वो क्या करते हैं, बच्चे मुंह में ऐसे लेते हैं तो वो कभी कभी गले में फंस जाता है, तो एकदम छोटे बच्चे को जो मुंह में हाथ ऐसे लेते हैं उनको वो सब ना पहनाया करें। और वह चाइनीज़ टॉयस और जो क्ले एंड मोल्ड का जो
गेम हुआ वो सब बच्चों को 3 साल से छोटे बच्चों को खेलने के लिए ना दें। जो टॉयज़ में छोटा छोटा बैटरी लगता है वो सब खिलौना, वो सब टॉयज बच्चों से दूर रखें। और है जैसे ग्रेप्स, अंगूर जब भी आप बच्चों को खाने के लिए दें उसको ऐसे पैरेलली काट के दें या टुकड़ा टुकड़ा करके उसको दें। काजू हुआ, आलमंड्स हुआ, उसको टुकड़ों में काट के खाने के लिए दें, वो भी चोक होने का चांसेस होता है। रोस्टेड चना वना वो सब खाने के लिए तो ना दें, अगर दे रहे हैं पीस के दें या उसका टुकड़ा करके दें। चॉकलेट कैंडी, जो कैंडी भी अगर आप बच्चों को खिला रहे हैं तो उसको भी टुकड़ा करके दें, वो भी निगलने का चांसेस रहता है। तो ये सब बातों का पेरेंट्स आप जरूर ध्यान रखें।